लोग लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो समरी है वो सिर्फ कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो समरी है उस पर प्लीज आप ध्यान से जाएंगे, आपकी सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। आपको फिर से एक बार ऐसा रिविजन होगा कि आपको फिर से पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट हम लोग जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो हमने बेसिकली जो स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने एक तो उसका डेफिनेशन किया था, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डेफिनेशन क्या था, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन के साथ साथ छोटे छोटे टर्म्स थे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, फिर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सारी बेसिक चीजें उसमें थी। तो इसमें सिर्फ वो जो चीजें हमने पढ़ा है वो हम एक लाइन से एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। तो डेफिनेशन था, फिर उसके बाद डेफिनेशन और भी छोटे छोटे टर्म्स के थे, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब कह लीजिए, फिर बेसिक्स नॉलेज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में था। फिर उसके बाद थोड़े से आगे जाते हैं तो रेसिस्टेंस के उसमें टाइप्स भी थे, जैसे पैरेलल, सीरीज, कनेक्शन, दोनों चीजें उसमें थी। फिर उसके आगे आपका रेसिस्टिविटी भी था, रेसिस्टिविटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। और रेसिस्टिविटी के अलावा फिर हमने थोड़ा सा देखा कि जो पैरेलल सीरीज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिर उसके फॉर्मूलाज देखे, और बाद बाकी सभी में बेसिक फॉर्मूला एक देखा आपने। तो हम अभी इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है उसको एक बार और से कवर कर लेंगे, और उसके अलावा जो इसका एक सम अप पॉइंट बनता है और लास्ट मतलब जो लास्ट में इसका एक टॉपिक है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक शुरू से इसका फॉर्मूला का हम लोग ध्यान रख लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, दैट इज क्यू इज इक्वल टू वाई टी। सेकेंड हम यहां से आगे थोड़ा बढ़ के फिर जब हमने स्टार्ट किया था तो एक फॉर्मूला था वी इक्वल्स टू आई आर। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आई आर इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपके हाथ में है। टी इक्वल टू आई आर, ये हमने बेसिक सा थोड़ा ओम्स लॉ जो था वो हमने पढ़ा इसमें। उसके बाद हमने इसके अलावा इसमें अलग से इम्प्रोमाइज करने के लिए जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, दैट इज एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी पढ़ा हमने। फिर पावर इज इक्वल टू वी आर, ये भी पढ़ा। और बाद बाकी इसके अलावा जो आपको कुछ और चीजें ध्यान रखनी है वो है इसके एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, सभी का एसआई यूनिट एक बार 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 से आराम से देखते जाएंगे। आई होप कि आपको सिंबल्स याद होंगे, तो इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला है आपका चार्ज, जो कि चार्ज यानी कि क्यू। तो क्यू का आपका एसआई यूनिट क्या था, यहाँ पे मैं सिर्फ साइड में सबका ले देता हूँ, एक एसआई यूनिट हो गए, और यहाँ पे जो भी है उसके पार्ट हम लोग कर देते हैं टेबल वाइज। तो सबसे फर्स्ट चार्ज, और चार्ज दैट इज क्यू, इसका एक यूनिट मान लेते हैं कूलम्ब हो गया। तो आपको ऑलरेडी इसका जो मैंने बताया हुआ है कि कूलम्ब क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड इट, तो इसी उन्हीं के नाम पे ही सारे एसआई यूनिट आते हैं। सेकंड चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, तो इसका एसआई यूनिट आपका एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। थर्ड फिर आपका क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वी। तो आप अगर इसको V से हम लोग उसके एसआई यूनिट को डिनोट करते हैं, जो उसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, अगर हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, एंड वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है पावर, और पावर का एसआई यूनिट जो है दैट इज वाट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है एनर्जी, जो कि एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसके सारे एक एसआई यूनिट आपको कवर हो जाएंगे, जिससे हेल्प करेगा आपको। फिर नेक्स्ट आपका हमारा बच गया रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है दैट इज ओम, और इन सबका सिंबल उसके साथ होता है। आप ओम को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, जूल है कैपिटल जे से या स्मॉल जे से यूज कर सकते हैं, वाट को आप डब्ल्यू से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से जितने सारे एसआई यूनिट है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एसआई यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी चीजों को समझने के लिए। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगे आपको। और इस समरी में बस फिर से मैं सिर्फ हमने क्या क्या पढ़ा है वो डेफिनेशन है, फिर छोटे छोटे टर्म्स के थे। पूरा चैप्टर आप देखोगे तो काफी ईजी लगेगा। डेफिनेशन, पैरेलल सीरीज, रेसिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर सभी का एक फॉर्मूला और एसआई यूनिट, इस पूरे चैप्टर में बस यही है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको एक बार फिर से अच्छे ढंग से रिवाइज